हमारे साथ बात करने के लिए हिना पांचाल जी हैं। फिल्म आ रही है जाने दोना यार, क्या है इसमें फिल्म में आपका कोई आइटम कर रही हैं आप, कुछ उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये ऐसा एक आइटम है जो कि हमने आजकल बहुत सारे गाने आ रहे हैं, हर महीने आते हैं आइटम सॉन्ग, बट एक लास्ट जो गाना आया था वो था फेविकॉल हलकर जवानी। वो एरा का ये गाना है जो मैंने किया है इस गाने में, और जब आप सुनोगे आपको उसी लेवल पे वो गाना सुनाई देगा, मतलब उसी लेवल उसी का बेंचमार्क छोड़कर जाएगा ये गाना, क्योंकि इसमें जो डांसिंग है वो एनर्जी है, वो साउथ की एंटरटेनमेंट है, सब कुछ है इसमें। और एक गाना अपने आप में एक मुंबई लड़की को रिप्रेजेंट करता है। डांसिंग की अगर बात करें हिना जी, आपने कहीं से तालीम ली है डांस में? सीखा है? कभी डांसिंग मैंने सीखा नहीं है, ये बचपन से मेरी शौक थी, एक हॉबी थी कि मैं डांस करूँ, और मैंने अपने स्कूल में किया है, मैंने कॉलेजेस में हिस्से लिए हैं, और सडनली मेरे लाइफ में एक दौरा आया करके कि गणेश आचार्य ने मुझे काम करके भेजा, मेरे दोस्त लोग थे जिन्होंने उनको कॉन्टैक्ट किया, एंड दैट्स हाउ आई गॉट। मेरा पहला गाना था T20 जो जॉनी लिवर की मूवी थी, वेलकम बैक अनिश बाजी के साथ, वो पहली मूवी थी। और सेकेंड जब मैंने किया था वो सरोज जी के साथ किया था, बाबूजी एक टिकट बम्बई, और वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये एक्टिंग में लाइक डांसिंग फील्ड में या फिर एक्ट्रेस का भी बनूंगी, बट ये एक मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और एक अचीवमेंट है मेरे लाइफ में, एंड आई विश दैट कि हमें ये नेक्स्ट लेवल पर लेके। बॉलीवुड में आप किसको अपना आइडियल मानते हैं? बॉलीवुड में मैं अगर आप बोलो मेरा इंस्पिरेशन एंड व्हाट लेवल आई वांट टू बी एज दीपिका पादुकोण, और अगर आप डांसिंग को लेकर बोलोगे तो फिर वो एक माधुरी दीक्षित। अगर आने वाले मुकाम की बात करें आपके, तो किस मुकाम पे आप अपने आप को देखना चाह रहे हो? क्योंकि आपकी शुरुआत जो हुई है वो क्या कहते हैं, आप इस फिल्म में म्यूजिक डांस नंबर कर रही हैं, कहाँ अपने आप को देखना चाह रहे हैं? मैं एक अपने आप को ऑब्वियसली एक एक्टर के हिसाब से देखना पसंद कर रही हूँ, और मैं वो हो जाएगा 2018 में, बिकॉज मैंने ऑलरेडी दो मूवी साइन कर चुकी हूँ, एक बायोपिक है, एक इमेजिनरी मूवी है, और एक और मराठी मूवी है जो हम कर रहे हैं 2018 जनवरी से। जो लोग बॉलीवुड में आना चाह रहे हैं आपकी तरह, उन लोगों के लिए कोई चलते चलते कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही बोलूँगी कभी कि बॉलीवुड में आना आसान नहीं है, बट अगर आप में टैलेंट है और सब कुछ है तो आप ज़रूर ये मुकाम पाओगे यहाँ पे। जस्ट पुट योर एफर्ट्स एंड योर हार्ड वर्क टूवर्ड्स योर करियर। हमारे साथ बात करने के लिए हिना पांचाल जी, थैंक यू।